हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, और हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक आवर्त नियम। तो याद रखना, आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोजली ने दिया था। आपको याद रखना है कि आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोजली ने दिया था। हेनरी मोजली ने 1913 में प्रतिपादित किया था। हेनरी मोजले ने 1913 में और आधुनिक आवर्त नियम दिया था। आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। दूसरे शब्द में यूं बोल दूं मैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक की, याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक है, जबकि प्राचीन जो मेंडेलियम की आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु भार था, वहां तो ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु भार की आवर्ती फलन होते हैं, जबकि यहाँ आधुनिक आवर्त नियम में क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सीधा साधा अर्थ ये हो गया कि जब तत्वों को आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करोगे तो ध्यान देना, एक निश्चित अंतराल के बाद, कुछ तत्व ऐसे आएंगे जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात कुछ तत्व ऐसे आते हैं पास पास जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इसे ही कहा जाता है आवर्ती फलन, कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यही आधुनिक आवर्त नियम है। और अब आधुनिक आवर्त नियम के बाद आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, तो आप ध्यान देना, आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखना कि 1 से 7 तक तो आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से 7 तक तो आवर्त है। 1 से 7 तक आवर्त है, अर्थात मैं यूं बोलूं कि 7 आवर्त है। 1 से लेकर के 7 तक संख्या, तो 7 आवर्त है। और मैं बोलूं 1 से लेकर के 18 तक वर्ग है। अब आप ये समझिए आवर्त क्या होते हैं, कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां, हैं उनको आवर्त कहा जाता है। और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो पंक्तियां हैं उनको वर्ग कहा जाता है। तो वर्गों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आधुनिक आवर्त सारणी में हमारा पहला बिंदु यही है, आधुनिक आवर्त सारणी में, कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम है, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। हमारा दूसरा बिंदु ये रहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु तीनों को अलग अलग किया गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं उपधातु, उसके बाद में अधातु, तीनों को और पूर्ण रूप से अलग अलग विभाजित किया गया है। और ध्यान देना, बता देता हूं मैं आवर्त सारणी में कि बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक और टेल्यूरियम और एटीएसटीटी। मैं जब आपको यहां आपके सामने आवर्त सारणी बनाऊंगा तब पता चलेगा बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टेटिन, ये कुछ ऐसे तत्व हैं कि इनके बाईं तरफ वाले, हैं वो तो धातुएं हैं और ये खुद उपधातुएं हैं, और इनके दाईं तरफ जो रह जाते हैं उन्हें हम अधातुएं कहते हैं।
कि इन तत्वों के आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ स्थित हैं उनको तो धातु बोला जाता है, ये खुद उपधातु हैं, और इनके ऊपर की तरफ अर्थात जो दाईं तरफ बच गए उन्हें हम अधातु बोलेंगे। तो यहां ये डिवाइडेशन दिया गया, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। फिर मैं यूं कहूं कि आवर्त सारणी में एक से लेकर के जो 12 तक वर्ग है वहां धातुएं दी गई है। आवर्त सारणी में एक से 12 तक जो वर्ग है उन वर्ग में धातुएं हैं। उन वर्ग में कौन है? उन वर्ग में धातुएं दी गई है। और बाद में 13 से लेकर के और 18 तक के जो वर्ग गई है तो इन 13 से 18 वालों में और तीनों की तीनों आ जाती है, ऐ धातुओं के साथ साथ उपधातु और धातु भी सम्मिलित होती है। 1 से 12 तक जो वर्ग है उनमें तो प्योर धातुएं होती है और 13 से 18 तक के वर्ग में ऐ धातुएं, उपधातु और धातु तीनों ही शामिल होती है। यह सामान्य सी बात आप याद रखना। और आधुनिक आवर्त सारणी में ध्यान देना कि जो पहला वर्ग है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग नहीं बोलूंगा आवर्त, जो पहला आवर्त है उस आवर्त में दो तत्व रखे गए हैं। पहले आवर्त में दो तत्व रखे गए हैं और फिर दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे गए हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे गए हैं। इसी प्रकार चौथे और पांचवें आवर्त की बात करूं, चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व रखे गए हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व रखे गए हैं। और छठे आवर्त में ध्यान देना, छठे आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं और सातवां आवर्त यूं कहा जाता है कि अभी तक अधूरा है तो वो अपूर्ण है। सातवां आवर्त अपूर्ण है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में दो तत्व रखे गए हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रखे गए हैं, चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व रखे गए हैं, छठे आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं और सातवां आवर्त अभी अधूरा है। और आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे नीचे की तरफ बाहर की तरफ दो पंक्तियां दी गई है, बाहर की तरफ, जिन्हें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहा जाता है, जिन्हें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहा जाता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहा जाता है। तो इन्हें एफ ग्लोब के तत्व भी कहते हैं। ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की दो श्रेणियां नीचे की तरफ बनी है जिन्हें एफ ग्लोब के तत्व कहा जाता है। तो ये आप इतनी सामान्य सी बातें इनमें याद